हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक व्यूअर है जिन्होंने पूछा है, सर मेरा रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते वक्त अकाउंट आ रहा है, डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पेमेंट वाउचर है। अब यहाँ डेबिट क्रेडिट आ रहा है, इसको मैं अगर रिसिप्ट वाउचर कर देता हूँ तो देखिए रिसिप्ट वाउचर में भी डेबिट क्रेडिट ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन अकाउंट ऑप्शन कब शो होगा इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर ये पट्टी जो बनी हुई है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर F2 डेट के लिए, F3 ये शॉर्टकट कीज दी हुई है, F4 कंट्रा के लिए, इसी तरह से करते करते नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चेंज मोड, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है मोड डिटेल। तो चेंज मोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे दो लाइन दी गई है। अब ये दो लाइन का मतलब ये है कि आप इसी बटन को मतलब एच को कंट्रोल के साथ दबाएंगे। अगर सिंगल लाइन होती है तो वही चीज अल्ट के साथ दबानी है। तो अगर आप कंट्रोल के साथ एच दबाते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर देते हैं, चलिए हम कंट्रोल के साथ एच प्रेस करते हैं, तो कंट्रोल और एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ दो मोड खुलेंगे, एक तो सिंगल एंट्री मोड होता है, दूसरा डबल एंट्री मोड, दोनों के बारे में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसको अगर सिंगल एंट्री मोड जैसे ही आप कर देंगे तो ये अकाउंट फॉर्मेट में आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप एंट्री इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे डेबिट क्रेडिट फॉर्म में कर दिया जाए तो आप फिर कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिए, फिर यही मोड खुलेगा, आप इसे बना दीजिए डबल एंट्री मोड, ठीक है। डबल एंट्री मोड जैसे ही कर देंगे तो ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में आने लगेगा, ठीक है। आई होप कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।